राज आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत। आज आपको बताने जा रहा हूँ, हमने मान लो कोई भी इलस्ट्रेटर से पीडीएफ बना ली या किसी और सॉफ्टवेयर से पीडीएफ बना ली, ठीक है। अब उसको हमें क्या करना है, एआई में कन्वर्ट करना और एआई में सेव करना। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, एक पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है, इस नाम से पड़ी। इसको मैं अभी मैं पीडीएफ में राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, ओपन विथ पीडीएफ किया, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर हमारा ये देखिए सारा हमारा क्या एडिटेबल टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी देखें सेलेक्ट करना एडिटेबल टेक्स्ट। अब इसमें अब इसको हम क्या करना है, एआई में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल टी। तो उसमें दबाने के बाद ये आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जाएगी, आपको आना क्या फॉन्ट्स में, आपको देखना है यहाँ पे कौन कौन से फॉन्ट यूज हुए हैं। सपोज यहाँ देखें स्विस का फैमिली यूज है, स्विस बोल्ड हैवी और मीडियम। तो आपके पीडीएफ में जो जो फॉन्ट्स यूज हुए हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस फॉन्ट को आपको ऑनलाइन जाके या जहाँ से भी है आपको क्या डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी क्या फॉन्ट मिस करके दूसरा फॉन्ट ले लेगा। इसमें अगर मान लो स्विस का फॉन्ट यूज हुआ है आपके सिस्टम में नहीं है, तो वो क्या है फॉन्ट मिसिंग दिखाएगा, तो आपको फिर फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, हमारा स्विस का फॉन्ट इंस्ट है, आपने क्या कि ऑनलाइन कहीं से भी या क्लाइंट से दोस्त से लेके आपने फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया सिस्टम में। उसके बाद क्या करना है, आपको इलस्ट्रेटर ओपन करना है, ठीक है। इलस्ट्रेटर ओपन किया, उसके बाद हम क्या करें, जो भी पीडीएफ फाइल उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ हम करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर। जैसे ही करेंगे तो हमारा देखिए जो भी हमारा कटमार्क लगा था पीडीएफ में उसके साथ आपका ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए आप जूम कीजिए, अब इसमें जो भी एडिट आपको करना है, अब देखिए हमारा ये फ़ोटो आपका अलग हो गया यहाँ से, जो टेक्स्ट थे आपके देखिए सारे टेक्स्ट अलग अलग हो गए यहाँ से, ठीक है। सारे आपके एडिटेबल, आपको जो भी लिखना है यहाँ आपको देख, सपोज आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मैथ लिखा है तो मैथमेटिक्स कर दिया हमने, इस तरह आपको राज लिखा है राज, या सपोज हमें करना है राज क्लासेस तो हमने राज क्लासेस कर दिया। यहाँ पे जो भी करना नॉर्मल आप यहाँ पे एडिटेबल ला सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, एआई में सेव करना है, तो फाइल में आएंगे, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ सेव ए कॉपी करता हूँ, और इसको मैंने यहाँ चेंज करके कर दिया सेव एज टाइप में एआई कर दिया, और इसको मैं यहाँ से सेव कर दिया और हम यहाँ से ओके कर दिया। अब देखिए हमारा क्या ईजिली यह सेव हो गया। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए इसको मैंने बंद कर दिया। अब जहाँ पर मैंने सेव किया देखिए हमारी एआई फाइल बन गई, इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, ये देखिए आपकी एआई में एडिटेबल फाइल आपकी सेव है, देख सकते हैं आप, देख रहे हैं इस तरह से आपकी सेव है। और इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पीडीएफ फाइल को एआई में कन्वर्ट करके आप सेव कर सकते हो, कि सबसे आसान तरीका है। बस आपको यही ध्यान रखना है, पहले आपको पीडीएफ खोल कर चेक कर लेना प्रॉपर्टी में आपको कौन कौन से फॉन्ट यूज हुए हैं, उसको इंस्टॉल कर ले, उसके बाद ईजिली आप क्या कर सकते हैं कुछ भी एडिट कर सकते हैं। देखें यहाँ ये करना है आपको, जो भी करना है आप देखिए, मैं यहाँ सेव टू इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज करना है आपको, जो भी चेंज करना है सपोज आपको ग्रीन करना है, देखिए हम इसको सेलेक्ट करके आप देखिए मैं इजीली यहाँ पे ग्रीन कर पा रहा हूँ, कुछ भी कर पाऊँ मतलब नॉर्मल एडिटेबल आपकी हो गए। इस तरह से क्या कर सकता है, किसी भी पीडीएफ फाइल को इजीली आप एआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगता है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।